भूमिका को इम्पोर्टेंस दें तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। ठीक है, राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है, केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगाजल से धोओगे? और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगाजल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ दिखाओ जरा। सर, बीजेपी कह रही हमारे है। घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शो हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस ये देखिए, धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है 295A 505 देखिए आप, के तहत देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है, अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने, तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी, वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे? वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। अरे यार, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हम समझ सकते हैं, जो मैं ठीक समझ सकता हूँ वही मैं कह सकता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या बनेगा, उसके बारे में मुझे क्या पता। तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, सीबीआई पूछताछ। देखिए, ये तेजस्वी यादव रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है, चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। सर, दूसरे कार्यकाल का 1 साल यूपी सरकार आज मना रही है, कैसे देखिए? इनका इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 साथ मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई है, उसके बाद आपको लगता है कि ओरिजिनल पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, कांग्रेस पीछे सपोर्ट? भाई, हमें जो सुझाव देना था मैंने दे दिया कि ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।